प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में छत्रीपुरा थाना पुलिस ने भरत रघुवंशी और उसके परिवार के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने पर मामला दर्ज किया है। वहीं आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में जुट गई है। इंदौर की छत्रीपुरा पुलिस ने भरत रघुवंशी और उसके अन्य परिजनों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग की तो आरोपी नहीं मिला, लेकिन बस के दस्तावेज भी नहीं मिले तो उसे जब्त कर थाने पर खड़ा किया गया। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। ये 26 दिसंबर 2019 को एक प्रकरण कायम हुआ था 420 का, जिसमे भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डायरेक्शन दिए गए हैं। इसी पालन में 5 आरोपी खिलाफ केस रजिस्टर किया गया था, उसमें से 2 को पकड़े जेल भेज दिया था। इसमें 3 आरोपी भारत रघुवंशी, बिक्की रघुवंशी और रोहित रघुवंशी ये फरार हैं और इनके लगातार गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तात्र में जानकारी मुखबिर से प्राप्त हुई थी कि भारत रघुवंशी एक बस है, उसमें बैठ कर ये धार तरफ कहीं जा रहा है और तत्काल पार्टी रवाना की गई। बस को रोका, उसमें चेकिंग की, आरोपी तो नहीं मिला, लेकिन बस के जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए वो भारत रघुवंशी के नाम से बस है और उसको मोटर व्हीकल एक्ट में जब्त कर थाने में खड़ा किया गया है। चूँकि आरोपियों के ऊपर सिवान पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम के द्वारा 3,000 का इनाम घोषित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इन्हें पकड़ने में मदद करेगा या इनकी सूचना देगा तो उस संदर्भ में वो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसके आधार पर उनको इनाम दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।